नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूं और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। पिछली बार हमने देखा कि राम जी शोक में डूबे हुए थे और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बहुत आक्रोशित हो रहे थे, और लक्ष्मण जी उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी की सार गर्भित बातें सुनकर राम जी का क्रोध कुछ शांत हुआ? हाँ, पहले अपन एक बात ध्यान रखें कि रावण ने जो सारी योजना बनाई थी वो क्या थी। उसकी योजना थी कि मैं सीता का अपहरण करूँगा। तो राम जो सीता से इतना प्रेम करते हैं, तो सीता के अपहरण के बाद राम जो हैं अधमरे हो जाएंगे। उसे ये अंदाज़ा था कि राम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देंगे, क्रोध में, शोक में, पागलपन में कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे और उसके बाद वो अधमरे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और मैं फिर उनका समाप्ति कर दूंगा। ये योजना थी। लेकिन रावण एक बात भूल गया कि राम के साथ लक्ष्मण भी है। ये एक व्यक्ति साथ होने का क्या मतलब होता है, ये यहां समझ में आता है। देखिए, लक्ष्मण राम के छोटे भाई जी। राम चाहते तो लक्ष्मण को कह सकते थे कि तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ज्यादा मालूम है, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, तो चुप रह। आजकल कई बार ऐसा देखने को मिलता है, चाहे छोटा भाई हो, चाहे अफसर को कोई मान लो छोटा कर्मचारी कुछ कह दे जी। उसका मातहत कुछ कह दे तो अफसर क्या कहता है कि तुझे कुछ नहीं मालूम, तो चुप रह, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। लेकिन राम की यहां पर जो उनकी मूल प्रकृति थी कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो विवेक का प्रयोग करके उस पर विचार किया जाए। तो राम ने भी मन में ये नहीं लाया कि ये मेरा छोटा भाई कह रहा है, मुझे इसकी बात नहीं सुननी है। नहीं, उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्हें लगा कि ये मेरा छोटा भाई बहुत समझदारी की बात कर रहा है। उनका रोष शांत हो गया। रोष शांत होने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जो कह रहे हो सब ठीक है, क्या करें हम, तुम ये मुझे बताओ, अब तुम ही बताओ। मैं तो क्रोध में के वशीभूत हो गया, शोक से डूबा हूं, तुम अब मुझे बताओ क्या करें, जैसा तुम बताओगे वैसा मैं करूंगा। ये कहना, यही राम की महानता है कि जब ऐसा बिंदु आता है जबकि आप जीवन में भावनाओं के वेग में डूब चुके होते हो, तो अपने आप को किसी दूसरे के हवाले कर देना, चाहे वो आपसे छोटा ही हो सकता है आपका पुत्र हो, पुत्री हो, कोई मातहत कर्मचारी हो, कोई सहयोगी हो, कोई हो, लेकिन ये समझना कि मैं तो भावनाओं में डूब चुका हूं और मुझे अब निर्णय लेने का काम इस पे छोड़ देना चाहिए। तो राम ने ये निर्णय लेने का काम अब लक्ष्मण ने कहा कि तुम बताओ, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखिए, ये जन्म स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वतों में गुफाएं हैं, किसी में बहुत मृग रहते हैं, किसी में किन्नर रहते हैं, किसी में गंधर्व रहते हैं, शायद यहीं कहीं छिपाया होगा। हम अपने मन में सीता को ढूंढने का उत्साह बनाए रखें तो हमें सीता के बारे में जानकारी अवश्य मिलेगी। जैसे हमें यह भी रथ और ये सब मिला है,
इसमें कुछ पदचिन्ह भी हैं, कुछ आसपास ऐसा है, तो हम जैसा बढ़ रहे थे हम और बढ़ें और ढूंढें। और आप धीर गंभीर हो, वैसे ही बने रहिए, जैसे पर्वत पे आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी वायु चले, पर्वत अपने स्थान से नहीं हिलता, पर्वत कांपने नहीं लगता, तो वैसे आप भी कांपिए मत। जो मार्ग अपने को चलना है उस पे चलना है, और वो मार्ग यही है कि हमें सीता को ढूंढने का प्रयास करना है, और उसके प्रति हमारे मन में पूरा उत्साह होना चाहिए। ये बात लक्ष्मण ने समझाई, और राम तो अपने आप को अब लक्ष्मण को सौंप चुके थे कि जैसा तुम कहोगे वैसा करें। अनिल जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हमें निराशा, ऐसा लगता है आगे पूरा अंधकार है हमारे जीवन में, अब कुछ बचा नहीं है, तो उस समय हमें कुछ सूझता नहीं है, हम ख़त्म हो चुके होते हैं पूरी तरह से। तो ऐसे किसी विद्वान का या अपने साथी से चर्चा करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, उसका दूसरे का सहारा लेने में बुराई नहीं है, उससे मार्ग आगे का खुलता ही है। अब लक्ष्मण जी के ये उत्तम वचन सुनकर फिर राम लक्ष्मण दोनों फिर से सीता जी को ढूंढने निकले। बिल्कुल, अब वे पुनः उठे जी। लेकिन अभी भी राम पूरी तरह शांत नहीं हुए थे जी। उनके मन में क्रोध था, और उन्हें मन में ये था कि मुझे यहीं कहीं कोई राक्षस मिल जाएगा जिसने सीता को खा लिया है। उनके मन में अपहरण की बात नहीं थी जी। उनके मन में था ये राक्षस तो इंसान को खा जाते हैं जी। तो उन्होंने अपने धनुष तैयार, धनुष पे बाण लगाया हुआ, और जैसे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने की बात हुई थी, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे जी। बहुत थोड़ा सा ही गए तो उन्हें दिखा कि बहुत विशाल गिद्ध गिरा पड़ा है, चारों तरफ खून भी दिख रहा है। राम बोले कि यह निश्चय ही कोई राक्षस है जो गिद्ध रूप धारण करके यहां पड़ा हुआ है, लग रहा है कि अभी यह थोड़ा जिंदा है, मैं इसका अभी समाप्त कर देता हूं, इसको इसकी जीवन लीला आज मेरे हाथों ही समाप्त होने लिखी है। और अपने धनुष पे बाण चढ़ा के वो सीधा बड़े, वो वहां तो जटायु घायल पड़े थे, पक्षीराज जटायु थे, लेकिन राम को ये समझ में नहीं आया कि पक्षीराज जटायु हैं, उनको एक केवल विशाल गिद्ध दिखा, पहचान नहीं पाए। और ये सीधा बाण धनुष पे चढ़ा के सीधा उस ओर बढ़े कि बस अब मैं इसे समाप्त करता हूं। वो जटायु को मारने के लिए बढ़े? हाँ, ये गड़बड़ हो रही थी कि जटायु को मार देंगे, लेकिन जटायु अभी होश में थे, उन्होंने राम को देख लिया और कहा, हे आयुष्मान, तुम वन में जिसे औषधि की तरह ढूंढ रहे हो, उस सीता का हरण हो गया है और मेरे प्राणों का भी हरण हो गया है। ये सीता का हरण और मेरे प्राणों का हरण करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है रावण। उस रावण ने सीता का हरण किया है, मैंने बहुत प्रयास किया कि उसे रोक लूं, उसे समझाने का प्रयास किया पहले, फिर वो नहीं समझा तो मैंने उसके साथ युद्ध किया, मैंने पूरी ताकत से युद्ध किया, मैंने उसके रथ को तोड़ दिया, उसके कवच को भी तोड़ दिया, उसके दो दो धनुष तोड़ दिए, उसके सारथी को मार दिया, उसके रथ में लगे गधों को भी मार दिया, उसके जो सहयोगी थे उन्हें भी मार दिया, बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं रावण को रोक नहीं पाया, मैं वृद्ध हो गया हूं, यदि मैं युवा होता तो मेरे हाथों रावण बच के नहीं जाता, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं असफल हो गया, मैं थक गया था, जब मैं जिस क्षण थक गया था और आगे युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, उस समय रावण ने
तलवार से मेरे टुकड़े कर दिए और अब तो मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूं, तुम इस धनुष बाण से अब तुम तो मुझे मत मारो। इस तरह करके अंतिम सांसें लेते हुए पक्षीराज जटायु ने राम से ये बात कही। तो पक्षीराज जटायु की इस तरह की बात सुनने के बाद फिर राम जी की क्या प्रतिक्रिया थी? राम जी एकदम भौचक्के रह गए कि हरी, ये तो मेरे पिता के मित्र, मेरे पिता समान जटायु हैं, मैं क्या करने जा रहा था? उन्होंने अपना धनुष बाण तुरंत दूर फेंक दिया और फिर पक्षीराज जटायु की ओर बढ़े, वहां जाके बड़े स्नेह से उनके ऊपर हाथ फेरने लगे, लक्ष्मण से कहने लगे बहुत दुखी होके कि ये मेरे पिता समान, ये मेरी रक्षा करते हुए, मेरे हितों की रक्षा करते हुए, मेरी सीता की रक्षा करते हुए इन्होंने इतना बड़ा अपने आप को लहूलुहान कर लिया, अपना बलिदान दे दिया है। ध्यान रहे कि राम अभी भी शोक में भी डूबे थे और जटायु की ऐसी स्थिति देख के उनको शोक और बढ़ गया। लक्ष्मण से कहे कि वास्तव में मैं बहुत अभागा, मेरे जीवन में तो बस दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है, मैं तो इतना दुर्भाग्य वाला हूं कि मेरा दुर्भाग्य तो अग्नि को भी भस्म कर दे, मेरा दुर्भाग्य तो इतना अधिक है कि यदि मैं महासागर में उतर जाऊं तो महासागर उस दुर्भाग्य से सूख जाए, मैं कितना दुर्भाग्य है कि मेरे कारण ये पक्षीराज भी अपनी जान धो बैठे हैं, मेरा दुर्भाग्य कारण ही इनका ऐसा हुआ है। ऐसे वो दुख में डूबे जा रहे थे, लगातार उनको दुख हो रहा था, वो उनके ऊपर हाथ फेर रहे थे जैसे कि अपने कोई मरणासन पिता के ऊपर हाथ फेरता है, वैसे राम जटायु के ऊपर हाथ फेर रहे थे। हाथ फेरते हुए फिर उन्होंने देखा कि पक्षीराज जटायु जो हैं ये अंतिम सांसें ले रहे हैं, तो अब समय नहीं है, वे जानना चाहते थे बहुत कुछ। कहा कि हे पक्षीराज, मुझे बताइए कि रावण ने क्यों किया, मेरा क्या अपराध था, जाते जाते सीता ने क्या कहा, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है और ये सब कैसे हुआ? उनके बहुत सारे प्रश्न थे जो कि वो चाहते थे कि ये बस अंतिम सांसें लेने के पहले मुझे बता दें कि हुआ क्या है, किस दिशा में गया है रावण, क्या उसने यहीं कहीं छिपा के रखा है या कहीं दूर ले गया है, किस मार्ग से गया, क्योंकि अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक तो वो सोच रहे थे कि सीता को कोई राक्षस खा गया है, लेकिन अब उनको एक व्यक्ति मिला जिसको सारी जानकारी थी, हरण होते हुए देखा था, और वो दिख रहा था कि वो बस अब कुछ क्षणों के मेहमान हैं पक्षीराज जटायु। तो वो राम के मन में था कि मैं जितना ज्यादा जान सकता हूँ जान लूं। जी, तो राम जी ने इतने प्रश्न किए जटायु जी से, तो फिर जटायु कुछ बोल पाए? उनकी सांसें टूट रही थी, फिर भी उनका राम के प्रति स्नेह था, प्रेम था, वो राम को बताना चाहते थे और वो राम को ढाढ़स भी बंधाना चाहते थे। ये देखिए जटायु की महानता देखी, कि स्वयं प्राण छोड़ रहे हैं लेकिन फिर भी राम को सहारा देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि रावण ने माया का सहारा लेके किया है, रावण ने ये जो किया है ये ठीक नहीं किया है और रावण का रथ तो मैंने तोड़ दिया, वो आकाश मार्ग से स्वयं ही अपनी पीठ पे सीता को बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है।
और फिर राम से बोले, तुम घबराना मत, जिस मुहूर्त में रावण ने सीता का हरण किया है वह विंद मुहूर्त है, उस मुहूर्त में खोई हुई वस्तु निश्चय ही वापस मिल जाती है। ये बात रावण को नहीं मालूम, उसने इस समय ये किया है और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई मछली कांटे से कोई लटकती चीज को देख के वो उसको मुंह में डाल लेती है और वो जो कांटे से लगी चीज होती है उसमें मछली ही मरती है। तो ये जो रावण ने किया, ऐसे रावण मरेगा, ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद तुम विश्वास रखना कि तुम रावण का वध कर दोगे और फिर अपनी प्रिय जनक नंदिनी के साथ फिर पुनः विहार करोगे, सुख से जीवन जियोगे, तो तुम घबराना मत। ये रावण जो है ये विश्रवा का पुत्र है और कुबेर का भाई है, तो सांसे जाती जाती में भी उन्होंने जितनी जानकारी जटायु दे सकते थे उन्होंने राम को दे दी और उसके बाद उनके मुंह से खून निकलने लगा और उन्होंने उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जटायु जी के प्राण त्यागने के बाद फिर राम जी ने क्या किया? अब राम जी एकदम दुख के सागर में डूब गए और ज्यादा दुख उन्हें, फिर लक्ष्मण से बोले कि देखो ये पक्षीराज, इन्होंने इतने वर्ष राज किया और आज मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सीता की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि शूरवीर, शरणागत की रक्षा करने वाले, धर्म पारायण श्रेष्ठ व्यक्ति हर जाति में होते हैं, हर स्थान पे पाए जाते हैं, पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं और ये उनका सबसे बड़ा उदाहरण ये पक्षीराज है। ये इनमें वे सब गुण हैं जो कि एक श्रेष्ठ पुरुष में होने चाहिए। अब आप देखिए राम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आज जबकि कुछ जातियां ये मानती हैं कि निचला है और ये हम ऊपर वाले हैं, ये इसमें ये श्रेष्ठ है और ये कम श्रेष्ठ है, वो यहां कह रहे हैं कि नहीं, ये इंसान की जातियां ही नहीं, पशु पक्षियों में भी कुछ होते हैं जिनमें ये सब गुण होते हैं और जिनमें ये सब गुण होते हैं वे माननीय और पूज्य होते हैं। ये पक्षीराज जटायु मेरे लिए वैसे ही माननीय और पूज्य हैं जैसे मेरे पिता महाराज दशरथ। आज अब इस क्षण मुझे सीता के हरण का भी दुख नहीं है, अब तो बस मुझे एक ही दुख है कि ये मेरे पिता समान पक्षीराज जटायु, इनका देहांत हो गया और इनका मेरे कारण देहांत हुआ है, ये मुझे इतना बड़ा दुख है। अब राम अपने दुख को, सीता हरण के दुख को, अपनी प्रियतमा को खोने के दुख को भूल के इस दुख में डूब गए और इसलिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति था, चाहे वो पक्षी योनि में जन्म लिया है उसने, जो कि शूरवीर था, जो कि शरणागत की रक्षा करने वाला था, जो धर्म का पालन करने वाला था और हर हिसाब से श्रेष्ठ था, इसके लिए अत्यंत दुख में डूबे। साधारणता कोई पक्षी यदि वन में मर जाता है तो उसका कोई दाह संस्कार नहीं होता, उसका शरीर इधर उधर पड़ा रहता, लेकिन अब राम ने लक्ष्मण को कहा
कि मैं इन पक्षीराज का वैसे ही दाह संस्कार करूंगा जैसे मुझे अपने पिता का करना चाहिए था। राम अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाए थे, बोले मैं इनका वैसे ही करूंगा, तुम जाओ लकड़ियां एकत्र कर लो। तो सब लकड़ियां एकत्र करके अग्नि प्रज्वलित करके और पक्षीराज का राम लक्ष्मण ने बिल्कुल विधि विधान से दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद वहां खड़े होके उन्होंने प्रार्थना की, वे मंत्र बोले जो कि इस समय कहे जाने चाहिए, और कहा कि युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले, यज्ञ करने वाले लोगों को जो सदगति प्राप्त होती है, दानवीरों को जो सदगति प्राप्त होती है, वे इन पक्षीराज जटायु को प्राप्त। अब देखो एक बात देखो कि वैसे तो पक्षीराज जटायु युद्ध हार गए थे, जी कहा जाएगा युद्ध हार गए थे, लेकिन आज वो अमर है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। और स्वयं राम और लक्ष्मण ने उनका दाह संस्कार किया, जो पक्षियों का नहीं होता, पर उन्होंने कहा नहीं, ये तो सर्वोच्च सम्मान के हकदार। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, कोई अधर्म कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, और हम खड़े होकर कहते हैं नहीं ये नहीं होगा, और उसमें जो खड़ा होता है, जो हिम्मत से करता है, शूरवीरता दिखाता है, उसमें कई बार वे मारा जाता है, उसको व्यक्तिगत हानि होती है, व्यक्तिगत वो आहत हो जाता है, हो सकता है बलिदान भी दे दे, लेकिन ऐसा व्यक्ति हारता नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति ही जीतता है। पक्षीराज जटायु हार के भी जीत गए, अमर हो गए, सदगति प्राप्त हुई। तो ये अन्याय अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की जो हिम्मत हमें इस जटायु प्रकरण से मिलती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब राम लक्ष्मण ने जटायु जी का दाह संस्कार कर दिया था, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? दाह संस्कार करने के बाद उन्होंने जैसे अपने पिता के लिए वे करते, जैसे पिंडदान की बात करें, वे गए वन से कुछ फल एकत्र कर लाए, उनके गूदे से पिंड बनाया और कुश का एक स्थान बना के उस पर उन्होंने पिंडदान किया, फिर नदी में जाके खड़े होके जटायु के लिए जलांजलि दी। देखिए जटायु को जो सम्मान राम लक्ष्मण ने दिया वह बिल्कुल वैसे ही था जैसे वह अपने पिता के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो पक्षी है, नहीं। एक तो पहले मैंने बात कही कि शूरवीरता का सम्मान था, ये अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले का सम्मान था, अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाले का सम्मान था, एक श्रेष्ठ का सम्मान था। और उन सबसे बढ़ के एक बात जो थी कि व्यक्ति ने किस योनि में जन्म लिया है, किस जाति में जन्म लिया है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो स्वयं राम उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए दुखी होंगे, उसको सदगति मिले इसके लिए हर प्रयास करें। तो यहां राम लक्ष्मण ने बिल्कुल अपने पिता की तरह पक्षीराज जटायु को माना, पिंडदान किया, जलांजलि दी और ये सब करके फिर उन्होंने अपने मूल काम पे वापस आ गए कि हमें सीता की खोज आगे जारी रखनी है। अनिल जी, जटायु जी का जो जीवन था और हमें सीखने को मिलता है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और अंतिम क्षण तक उन्होंने समाज का हित हो, एक तरह से भलाई हो किसी की, मरते दम तक वो पूरा किया कि मैं राम जी को सहारा देने का काम किया, दूसरा सीता का
खोज के लिए उनको एक आश्वासन दिया। आशा करते हैं कि हम भी इससे कुछ सीख पाएँ। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।